हे लवली मॉमीज आउट देयर, एक नई वीडियो के साथ करते हैं हम आपका स्वागत हमारे चैनल बम्प एंड मम पे। तो आज की हमारी वीडियो है किचन सेक्शन पे। जो रेसिपी आज हम इस वीडियो में बनाने वाले हैं, इसकी रेसिपी का नाम है अरबी के पत्ते के पतोड़े। हर प्रांत में इस टेस्टी और कुरकुरे रेसिपी को अलग अलग नामों से जाना जाता है। कहीं पे इसे अरबी के पत्ते के पकौड़े कहा जाता है, कहीं पे अरबी के पत्ते के पतरोड़ कहा जाता है, पतोड़े कहा जाता है। तो देख लेते हैं अलग अलग नाम से जाने वाली इस मसालेदार टेस्टी रेसिपी को कैसे बनाया जाता है इस वीडियो में। पहले हमने यहाँ मिक्सी में कुछ खड़े मसाले ले लिए हैं। अब देखिए इनमें हमने क्या क्या लिया है। यहाँ पे लिया हमने सूखा धनिया, जीरा, मीठी सौंफ और थोड़ी सी इसमें हमने हींग भी मिला दी है और साथ में ली है बड़ी इलायची। अब हम इसे मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पे हमने लिया 2 कड़छी के लगभग बेसन। अब उसमें जो भी हमने अपने खड़े मसाले ग्राइंड करे थे सारे इसमें मिक्स कर लेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे हमने लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट तैयार किया है, तो वो भी हम इसमें मिक्स कर लेंगे। इसके साथ साथ हम डालेंगे इसमें हल्दी, नमक, लाल मिर्च और इसको पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करते समय, पानी डालते समय इस बात का ध्यान रखिएगा ना ज्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए और ना ज्यादा पतला होना चाहिए। ये देखिए हमें इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की बनानी है कि बहुत ज्यादा पतला नहीं होना चाहिए। पे हमने अरबी के पत्तों को पहले पानी से अच्छे से धो लिया है और उन्हें अच्छे से सुखा लिया है। तो यहाँ पे इस तरह डंठल होंगे, उन्हें चाकू से काट के अलग कर देंगे। पत्तों को हमेशा उल्टा जहाँ पे लाइट ग्रीन कलर होता है उसको ऊपर रखना होता है और उसके साथ साथ यहाँ पे अब जो हमने मिक्सर बनाया वो उसको ऐसे लेप करते हुए पूरे पत्ते पे लगा देंगे। अब एक पत्ते पे अच्छे से लगाने के बाद आपको एक और ऐसे ही पत्ता लेना है और ऐसे उसको उल्टी डायरेक्शन में दूसरे पत्ते के ऊपर लगाना है। फिर दोबारा उस पर भी वैसे ही आप पूरा मिक्सचर लगा दीजिए। इसी तरह आप और पत्ते भी इस पे लगा सकते हैं और हर पत्ते को लगाने के बाद उसके ऊपर ऐसे ही मिक्सचर को लगाना है। क्योंकि हम इन पत्तों को स्टीम में पकाएंगे तो इसलिए इस पे ज्यादा पत्ते भी ना लगाइएगा, 3-4 पत्ते इनफ होते हैं। आप उसको बंद करते समय उसके ऊपर भी इस तरह से मिक्सचर लगाइए। पत्तों को इस तरह बंद करते हुए उसके हर कोने में मिक्सचर लगाते चलिए। इस तरह मैंने इस पे सारा मिक्सचर लगाते हुए उसे पूरा बंद कर दिया है, ये देखिए। और अब मैं इसको धागे से अच्छे से लपेट लूंगी ताकि मिक्सचर स्टीम देते समय निकल ना पाए। इसको इस तरह धागे से अच्छे से बंद कर दीजिए। तो ये देखिए हमारा एक रोल, एक अरबी के पत्तों का रोल तैयार हो गया है। इसी तरह बाकी के अरबी के पत्तों भी मिक्सचर लगा के उनका भी रोल बना लेंगे और उनको भी धागे से अच्छे से लपेट लेंगे। बस ध्यान देने वाली बात यहाँ पे यही है कि आपको अरबी के पत्तों को उल्टा रखना है, यानी जो उनकी लाइट ग्रीन कलर है उसको ऊपर रखना है और उस पे हमें मिक्सचर लगाना है। इसी तरह हम ऐसे 3-4 पत्ते लगा के उनका अच्छा से मिक्सचर लगा के रोल बना लेंगे। ये तो हमने मिक्सचर लगा के अरबी के रोल तैयार कर लिए। अब देख लेते हैं इन्हें हम पकाएंगे किस तरह। अब हमने कढ़ाई में यहाँ पे पानी को अच्छे से गर्म कर लिया और उसके ऊपर ऐसे छन्नी रख दी। अब इस छन्नी के ऊपर, इस जालीदार प्लेट के ऊपर हम एक एक करके इन अरबी के पत्तों का रोल रखते चलेंगे। यहाँ पे इस प्लेट में हमारे 2 ही रोल आ पाए तो इसलिए हमने यहाँ पे 2 ही रोल रखे हैं। अब हम इसे प्लेट से अच्छे से ढक के कम से कम 20-25 मिनट तक ऐसे स्टीम में ही पकाएंगे। ये देखिए
अरबी के पत्तों को 20 से 25 मिनट हो गए हैं ऐसे स्टीम देते हुए और हमारे इन अरबी के पत्तों का रोल बनके तैयार हो गया है। अब हम इन्हें एक एक करके दूसरी प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह जो बाकी हमने अरबी के पत्तों का रोल बनाया होगा उनको भी इस तरह गर्म पानी में जालीदार प्लेट के ऊपर रख के स्टीम देके अच्छे से पका लेंगे। पकाने के लिए 20 से 25 मिनट लगेंगे। उससे पहले यदि आप उससे पहले निकालेंगे तो अरबी के पत्तों में कच्चापन रह जाएगा, इसलिए कम से कम 20 से 25 मिनट तक स्टीम में आप इन्हें अच्छे से पकने दीजिए। अब इन्हें भी हमने प्लेट से ढक के 20 से 25 मिनट तक के लिए ऐसे रख दिया। ये हमारे अरबी के पत्ते अच्छे से स्टीम लगा के हमने पका दिए हैं। अब हम इनके धागे निकाल के छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। ध्यान रखिएगा अरबी के पत्तों को हमें अच्छे से ठंडे होने देना है, उसके बाद ही हम इसकी इस तरह कटिंग करेंगे। ये ठंडे होने के बाद हमने अरबी के पत्तों को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। हमने अरबी के पत्तों का रोल को अच्छे से कट कर लिया। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए हमने कढ़ाई में ले लिया तेल, उसको अच्छे से कराया गरम। एक एक करके इन पीसेस को इस तेल में डाल के अच्छे से फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए कम से कम 10 से 15 मिनट का समय लगेगा और थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप इन्हें पलटते भी रहिए ताकि ये जले ना और अच्छे से कुरकुरे हो जाएं। इसे थोड़ी थोड़ी देर के बाद पलट रहे हैं और देखिए ऊपर से कितने कुरकुरे हो गए अरबी के पत्ते। आपने इन्हें अच्छे से तेल में कुरकुरे करना, पर ध्यान रखिएगा ताकि ये जलने ना पाए। तेल में फ्राई करते हुए अब हम इन्हें एक दूसरी प्लेट में निकाल के रख लेंगे। गैस को कर देंगे बंद। ये देखिए हमारे अरबी के पत्ते के पतोड़े बनके बिल्कुल तैयार हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। चाहे तो इन्हें ऐसे भी खा सकते हैं या फिर लस्सी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो आप भी अपने घर पे इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।